हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का जो चैप्टर है आपका विद्युत उसका आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल का पार्ट टू करने वाले हैं इसके पहले भी हमने पार्ट वन चैनल पे अपलोड किया था यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा इसी वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है आपका आज कह रहा है कि एक तार से दस मिनट में कितना आवेश का प्रवाह होगा यदि उस तार से डेढ़ एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है ठीक है सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के योग्य है ठीक है तो आप लोग जो इसको अच्छे से देख लीजिए देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कितना आवेश का प्रवाह होगा आवेश के बारे में पूछा गया है यहाँ ध्यान रखिएगा आवेश निकालना है आपको क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है आई बराबर याद है सभी को आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है ना आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो हमें क्या निकालना है क्यू निकालना है क्यू निकालना है आवेश तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू टी हो जाएगा हो जाएगा ना आई इंटू टी अब यहाँ पे आप देखोगे आई कितना है आई जो है आपका वो प्रवाहित हो रहा है दिड़ एम्पेयर कितना हो रहा है डेढ़ एम्पेयर है ना वन पॉइंट फाइव ओके उसके बाद जो हमारा टी है टी कितना है दस मिनट तो दस मिनट है ये ठीक है ये दस मिनट है इसको हम लोग किस में बदलेंगे सेकेंड में बदलेंगे किस में बदलेंगे सेकेंड में बदलेंगे साठ से गुना कर देंगे साठ देखिया ओके अब आपको क्या करना होगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा जैसे ही आप यहां से आप पॉइंट उड़ाओगे ना तो इसके नीचे आ जाएगा दस ठीक है पॉइंट उड़ेगा तो नीचे दस आ जाएगा तो पंद्रह छ कितना हो गया बताइए मान के चलिए कि यहां पर ना छ है ये जीरो है जीरो है तो पंद्रह छह के कितना हो जाएगा नब्बे एक जीरो एक जीरो दो जीरो और बढ़ा दीजिए और नीचे में आपका एक दस है, एक दस से एक जीरो खत्म हो जाएगा बच जाएगा आपका नाइन हंड्रेड और ये हो जाएगा आपका क्योंकि आपने क्या निकालना है क्यों निकालना है आवेश निकाल रहे हैं तो आवेश को हम लोग किस में लिखते हैं कूलम में लिखते हैं आवेश को किस में लिखते हैं कूलम में लिखते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अगला सवाल जो है हमारा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी तार से एक बैटरी के द्वारा पाँच सेकंड में दस कूलम आवेश प्रेषित किया जाता है तार में स्थापित विद्युत धारा का मान निकालिए इस बार आपको क्या करना है विद्युत धारा का मान निकालना है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जो यहाँ पे Q दिया गया है जो आवेश है वो कितना है दस कूलम है और जो टाइम है आपका वो कितना है आपका पांच सेकेंड है तो टाइम इस बार सेकेंड में दिया है इसलिए इसको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है तो आपको डायरेक्ट धारा का मान निकालना है यानी आई बराबर क्या हो जाता है क्यू बाई हो जाता है तो क्यू कितना है दस आई कितना है पांच ठीक है इसको इससे काट दिया कितना दो और आई जो होता है जो धारा होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है तो टू एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ठीक है चलते हैं अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर तीन पे आइए क्वेश्चन नंबर तीन काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में घुमा फिरा आप लोगों से पूछा जाता है कह रहा है कि चार ओम के तीन प्रतिरोधक हैं और उसको किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध ओम हो जाए काफ़ी सारे बच्चों को जो है इस सवाल देखने के साथ जो उसको टफ लगता है काफी हार्ड लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए अगर ये श्रेणी क्रम में होता दो क्रम होती है ना आपको पता है दो क्रम होता है एक होता है श्रेणी एक होता है समांतर अगर यह श्रेणी क्रम होता तो हमने उसका ट्रिक बताया था कि कर श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्या होता है श्रेणी में अगर रहता तो तीन प्रतिरोधक है चार चार ओम का तो चार चार आठ चार बारह होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बारह नहीं हो रहा है छः हो रहा है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा नहीं जुटेगा ये बटा में जुटेगा ठीक है इतना तो आपको पता चल गया जब ये बटा में जुटेगा तो उसको क्या बोलते हैं समानांतर क्रम बोलते हैं यही तो आपसे पूछा है कि किस प्रकार जोड़ा जाए ठीक है तो आप आपको पता चल गया कि ये समांतर क्रम में जुटेगा लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो आपको तो बनाकर दिखाना होगा ना तो आपको बनाकर दिखाना है तो इसीलिए आपको लिखना है चूँकि वन बाय आर बराबर होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इसको करके देखिए आप ठीक है जब आप इसको करके देखोगे तो वन बाय चार प्लस वन बाय चार प्लस वन बाय चार हो जाएगा ठीक है समझ में आया लेकिन जब आप लोग इसको बनाना स्टार्ट करोगे जब इसको देखोगे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका ओम आएगा नहीं हम आपको दिखा देते हैं देखिए होगा क्या जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका चार हो जाएगा ऊपर में सब आपको जोड़ना होगा ठीक है यहाँ पे वन प्लस वन प्लस वन करोगे तो ये तीन बटा चार हो जाएगा ये सॉल्व नहीं होगा और आपका छः ओम आंसर आएगा नहीं तो आखिर क्यों नहीं आया आंसर और हम लोग जो ऐसे करते थे तीनों ये तो सिंपल कह रहा था कि तीन जो है चार ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ समतुल्य प्रतिरोध ओम हो जाए तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाकर देखते हैं और उस तरह से आंसर आएगा क्यों आएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो ये आपको इस तरह से नहीं बनाना है ठीक है क्योंकि चार ओम के तीन प्रतिरोधक हैं चार ओम के तीन प्रतिरोधक है इसका मतलब क्या होगा कि चार ओम के जो तीन प्रतिरोधक के तीनों का जो प्रतिरोध है वो चार ओम चार ओम चार ओम में तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री सब कितना है ओम में चार ओम के तीन प्रतिरोधक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं ठीक है तो लिख सकते हैं ओके अब इस वाले सवाल में या तो आप डायरेक्ट श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा आंसर और डायरेक्ट समांतर क्रम में भी जोड़ोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आने वाला है तो क्या करना है इस तरह के सवाल में तो देखिए आपको तीन प्रतिरोधक दिया है ना चार ओम के तीन प्रतिरोधक है तो आपको करना क्या है एक आपको डायग्राम से पहले समझाते हैं ठीक है ये प्रतिरोध है ठीक है आपको क्या करना है कि दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध है ना दो प्रतिरोध को आपको जो है जोड़ देना है आपको समांतर क्रम में ठीक है तो यहाँ पे चार ओम ये भी चार ओम है और ये भी चार ओम है और ये आपका जो है यहां पर एक प्रतिरोध हम लगा देते हैं चारों का ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में ये ए मान लीजिए ये बी मान लीजिए तो हमें ए और बी से लेकर के पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इन दोनों आपका जो है समांतर क्रम जो है इसका निकालेंगे तो वन बाय आर ठीक है इसका निकाल लेते हैं ये हो जाएगा वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू तो इसको आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा वन बाय चार प्लस वन बाय फोर तो ये हो जाएगा चार चार का एल्सियम चार और यहाँ पे हो जाएगा आपका वन प्लस वन बराबर टू बाय फोर ठीक है टू बाई फोर हो गया इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा दो एकम दो 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 न चार एक बटा दो ठीक है और ये हो जाएगा वन बाय आर जब इसका आप वैल्यू निकालोगे आर का ये जो आपका आर का वैल्यू निकल रहा तो कितना हो जाएगा दो निकल कर आ गया ये किस क्रम में आया है ये आपका समांतर क्रम में आया है और एक आपने क्या रखा है श्रेणी क्रम में तो जब आप ध्यान दीजिएगा जब आप फिर से आप निकालना चाहोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा ठीक है तो टोटल जब आप आर निकालने आर का जो वैल्यू निकालोगे तो वो है समांतर क्रम में जितना आंसर आया है आपका और एक आया है आपका श्रेणी क्रम में ठीक है ये वाला चार और दो मिलाकर कितना आ गया छः होम और यही आपको सवाल में पूछा गया था कि छः ओम होना चाहिए बाद मैं आप तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि तीन प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ेंगे कि उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो छः ओम हो जाना चाहिए तो दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा उसका डायग्राम भी हमने आपको बनाकर दिखा दिया तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए इस तरह के सवाल जो हैं जो लास्ट सवाल आपने देखा ये सवाल हमेशा इसी प्रकार से बनते हैं कि दो को आपको लगाना होगा समांतर में एक को लगाना होगा श्रेणी में तभी होगा अगर आप सोचो कि टोटल को श्रेणी में कर दे टोटल को समांतर में कर दे, तो आपका आंसर नहीं आने वाला है ठीक है तो दो को एक में कीजिए एक को अलग कीजिए देखिए आंसर आ जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू